बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिनेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते आज की हेडलाइंस। दंतेवाड़ा जाने वाले पैदल यात्रियों को इस वर्ष नहीं मिल रही सुविधाएं। कांग्रेसी नेता टीवी रवि ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में 32 लोगों ने किया कांग्रेस प्रवेश। बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्म जोगी बिठाई सिरासार भवन में विधि विधान के साथ निभाई गई। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा जाने वाले पैदल यात्रियों श्रद्धालुओं को जगह जगह भंडारे एवं आवश्यक सुविधाएं प्रतिवर्ष मिलती रही, परंतु इस वर्ष चुनावी आचार संहिता लगने के कारण अब इन सुविधाओं से श्रद्धालु वंचित हैं। पैदल यात्रियों ने बताया कि प्रतिवर्ष पैदल यात्रा के दौरान प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, माता के भक्तों एवं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे एवं विश्राम की व्यवस्था होती रही है, परंतु इस वर्ष चुनाव आचार संहिता लगने के कारण राजनीतिक पार्टी एवं कार्यकर्ता इस प्रकार की आयोजन से दूर है। साथ ही शासन स्तर पर भी किसी प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही है, जिसे पैदल यात्रियों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि कम से कम शासन स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए। पैदल यात्रियों ने कहा कि इस वर्ष दिन में तेज धूप पड़ रही है, जाहिर है यात्रियों को भूखे प्यासे रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जगह जगह टेंट लगने से उन्हें विश्राम की व्यवस्था के साथ भोजन एवं पानी की व्यवस्था हो जाया करती थी। प्लानिंग पैदल चलने का है, जितना हो सके अभी रात तक चलेंगे, उसके बाद कल तक पहुंच जाएंगे, शायद पूरा दंतेवाड़ा पैदल जाएंगे। हम लोग तत्काल विश्राम पुरी से कल के लिए दंतेवाड़ा जा रहे हैं। तो वापसी कैसे रहेगी आप लोगों की? साइकिल से ही रहेगा? और इससे पहले पैदल वगैरह? पैदल ये मैं निराश होकर जा रहे हैं सर। यहाँ पर कुछ मिलता था पहले, अब नहीं मिल रहा है, इस कारण लोग थोड़ा निराश हो गए हैं। तो यहाँ व्यवस्था करवाना पड़ेगा क्या? जी करवाना पड़ेगा सर, इतना यात्री जाते रहते सर। जी तो आप लोग उम्मीद लेके आए थे क्या यहाँ पे? जी उम्मीद लेके आए थे सर, कुछ नहीं मिल रहा था, क्या करें, जाना ही पड़ेगा, क्या उम्मीद तोड़ टूट गया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दंतेवाड़ा जा रहे हैं सर, माता जी माता के दर्शन। जी वापस पैदल आओगे गाड़ी से आओगे? जी गाड़ी से आएंगे सर। जी पैदल यात्रा दंतेवाड़ा। अभी जैसे जिया डेरा में आए तो क्या चीज़ देखने मिल रहा है यहाँ पे आप लोग? यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है, चाय नाश्ता मिल रहा था, चाय नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। पहले चाय नाश्ता मिलता था? हाँ मिलता। तो कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? चाय नाश्ता मिले, व्यवस्था सब आने जाने वाले के लिए। आराम वगैरह करते थे पहले? हाँ रुकते थे, अब वैसे नहीं मिला तो नहीं। क्या होके जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं कि दुखी होके जा रहे हैं? दुखी होके जा रहे हैं। कांग्रेसी नेता टीवी रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने यह पक्का कर दिया कि 2023 विधानसभा चुनाव की वह भी दावेदारी करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यदि पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। टीवी रवि ने गांव का प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। बहरहाल जगदलपुर से 4 दावेदार पहले से ही है, जिससे अब तक जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट को लेकर काफी मंथन व चर्चाएं बनी हुई है। अध्ययन के लिए लिया है और चूंकि पार्टी फोरम में आवेदन दिया है और चूंकि प्रक्रिया लंबी रहती है, इसीलिए सभी पूर्ण करने के लिए फोन करके रखा है, इसीलिए पार्टी का टिकट होता है तो आवेदन फॉर्म भरेंगे। अभी तक जैसे पार्टी से आपने बात किया होगा तो क्या बातचीत हुई होगी आप लोग? नहीं, आप लोग के माध्यम से जो सूचना आ रही है वह जुट रही है हमारे पास। कांग्रेस की टिकट की घोषणा के साथ सीपीआई के घर में कांग्रेस ने मारा सेंध। सीपीआई नेता रामा सोडी के गांव कोरा के एतलपारा में 32 लोगों ने किया कांग्रेस प्रवेश। मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में गांव के लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया। मंत्री कवासी लखमा ने सभी का कांग्रेस में स्वागत किया। तो
75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा अपनी परंपराओं के लिए विश्व भर में मशहूर है। कई रस्मों के साथ मनाने वाले बस्तर दशहरे की एक और अनूठी व महत्वपूर्ण रस्म जोगी बिठाई रविवार देर शाम शिरासार भवन के विधि विधान के साथ निभाई गई। परंपरा अनुसार हलवा जाति का युवक 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखकर दंतेश्वरी मंदिर के नजदीक बने सिरासर भवन के स्थित एक निश्चित स्थान पर तपस्या के लिए बैठता है। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य बस्तर दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक व निर्बाध रूप से संपन्न कराना होता है। मान्यताओं के अनुसार सालों पहले बस्तर दशहरे के दौरान हलवा जाति का एक युवक जगदलपुर स्थित महल के नजदीक तब की मुद्रा में निर्जल उपवास पर बैठ गया था। दशहरे के दौरान 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मौन अवस्था में युवक के बैठे होने की जानकारी जब तत्कालीन महाराजा को मिली तो स्वयं महाराजा योगी से मिलने उनके पास पहुंचे। इस साल इस रस्म को बड़े आमाबाल के युवक रघुनाथ नाग ने निभाया है, जो पिछले 4 सालों से इसे निभाते आ रहे हैं। जिले के विकास में अपना अमूल्य योगदान देकर कार्य करने वाले युवोदय स्वयं सेवकों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रायपुर से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नोनी जौहर कार्यक्रम 10 और 11 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और यूनिसेफ की मदद से युवोदय कार्यक्रम को बस्तर जिले में संचालित किया जा रहा है। इससे जुड़े स्वयंसेवक समाज विकास के मुद्दों को लेकर जागरूकता कार्य कर रहे हैं। जनसंपर्क विभाग यूनिसेफ और अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 10 और 11 अक्टूबर को 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मानसिक तनाव के कारण एवं निदान की जानकारी दी गई। इसके साथ ही खेल का भी आयोजन किया गया। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अभिनेत्री स्मृति कालरा नोनी जोहार कार्यक्रम में शामिल हुई एवं उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में स्वयं सेवकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। बहुत ज्यादा बीमार थे। अच्छा, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे। अच्छा, तो वो खुद से पैदल पैदल जा रहे थे। उसके बाद 2-3 किलोमीटर के अंदर में हॉस्पिटल है। हाँ, तो उनको बिठा के हम लोग ले गए की तरफ से, और वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, उनका इलाज कर। अरे बहुत बढ़िया, आपको कितना आशीर्वाद मिला वो पता है ना। हाँ, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के अवसर पर आज जगदलपुर में 107 दिन तक चलने वाली बस्तर की पहली रथ परिक्रमा की जाएगी। आपको बता दें कि हर वर्ष 75 दिनों का दशहरा होता था, मगर इस वर्ष 107 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। यहाँ रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। शारदीय नवरात्र के शुरुआती 5 से 6 दिनों तक 4 पहियों वाले फुल रथ की परिक्रमा होती है। विजयदशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है। बस्तर के इतिहास के अनुसार यह विधान लगभग 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ रथ परिक्रमा की कई मान्यताएं भी हैं। बस्तर दशहरा में शामिल होने संभाग भर से विभिन्न जनजातियों के लोग पहुंचे हैं। हर दिन अलग अलग रस्म की अदायगी होती है। जगदलपुर शहर के ऐसे अपराधी जो अपराध कारित कर लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग प्रकरणों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ऐसे फरार वारंटियों पर विशेष अभियान के तहत धरपकड़ कार्रवाई किया गया है, जिसके अंतर्गत जगदलपुर थाना कोतवाली स्थायी वारंट राजेश श्रीवास्तव, दिनेश लवंग, अभिषेक मिश्रा, राजू उर्फ राजकुमार, गिरफ्तारी वारंट ओम प्रकाश, दिनेश कश्यप, धीरेन्द्र नाथ, तिलक बघेल, उमेश सक्सेना सभी निवासी जगदलपुर, कुल 11 वारंटियों को गठित टीम के द्वारा पतासाजी कर वारंट तामील किया गया है, तथा थाना कोतवाली जगदलपुर के अपराध क्रमांक 314 2023 धारा 34 आबकारी एक्ट के मामले में फरार आरोपी आकाश मिश्रा, पिता देवानंद मिश्रा, निवासी शिव मंदिर वार्ड महादेव घाट जगदलपुर को टीम द्वारा पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।